दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड के पास भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग एंडोस्कोपी रूम में लगी थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल कूलिंग का काम किया जा रहा है। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल विभाग के मुताबिक सोमवार को तकरीबन 11:54 पर आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही 8 फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया, जिसने कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग को काबू कर लिया गया है। कूलिंग का काम किया जा रहा है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हादसे के दौरान आनन फानन में सभी मरीजों को इमरजेंसी वार्ड से निकालकर दूसरे वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया है।